गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग सर्कल के कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग एक्सरसाइज में होंगे, किसी में 11 है तो किसी में 12 के रूप में होंगे। क्वेश्चन नंबर है 15 है, क्वेश्चन नंबर भी डिफर कर सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं और जो फिगर है उसको ध्यान से समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करेंगे। तो इस बुक में क्वेश्चन नंबर 15 है और ये ज्यादातर बुक में 15 ही है। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि इन एडजॉइनिंग फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर्स एट ए एंड बी एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। कह रहा है कि दो सर्कल है जिसका सेंटर ए पे है और बी पे है। अब बी पे क्या है, इस छोटा सर्कल का सेंटर है और ए पे क्या, इस बड़े सर्कल का सेंटर है और दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है। बड़े सर्कल का रेडियस r1 ले लिया जो कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और छोटे सर्कल का रेडियस r2 है ले लिए हैं जो कि 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको ये दिखाना है कि PQ का लेंथ क्या है, हमको ये फाइंड करना है। PQ का लेंथ हमको क्या है, ये हमको फाइंड करना है और ये बताया गया है कि PQ जो है AB का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है, यानी कि AB पे परपेंडिकुलर भी है और AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, यानी कि L पॉइंट में कट कर रहा है, तो AB इक्वल टू BL हो गया। ऐसा हमको क्वेश्चन में कह रहा है और हमको निकालना क्या है, PQ का लेंथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो PL है क्या है, AB के परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि PQ AB के परपेंडिकुलर है। PLA एक ट्रायंगल बना दिया और हम क्या किए, A से C को मिला दिए, A से C को क्या किए मिला दिए, तो PLA एक ट्रायंगल बन गया। क्या हो गया, PLA एक ट्रायंगल बन गया जिसमें AL क्या हो जाएगा हमको पता है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। और PL का वैल्यू हम निकालेंगे और PL का वैल्यू अगर डबल कर देंगे तो वो PQ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले r1 हमारा 5 सेंटीमीटर है, r2 हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1। क्यों, क्योंकि A यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है r1 और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस r2 है, तो AB इक्वल टू हो गया r2 माइनस r, r1 माइनस r2, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमको ये आ गया AB का लेंथ। अब AL का लेंथ क्या हो जाएगा, AL का लेंथ AB का हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB को PQ बाइसेक्ट कर रहा है, जिसके AL इक्वल टू AB बाय 2 और 2 बाय 2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिल गया, AL मिल गया। अब ट्रायंगल PLA पे हम देखेंगे, PLA पे हम देखेंगे क्या है कि हमको AL पता है और PA पता है, यानी रेडियस इस बड़े सर्कल का और PL हमको फाइंड करना है। BC का अपोजिट BOC
सी, यानी कि इस साइड का ओरिजिन ये एंगल है और इस साइड का ओरिजिन ये एंगल है, दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, बी ओ सी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू बी सी, तो और देखो बी ओ सी इक्वल टू वाई ए बी हमारा आ गया। फिर क्या है हमारा, देख रहे हैं कि ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए क्या हो गया इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटेंडेड एंगल हो गया, ये क्या हो गया एक्सटेंडेड एंगल हो गया। तो ये जब एक्सटेंडेड एंगल हो गया तो क्या हो जाएगा, इस एंगल और इस एंगल का सम ये हो जाएगा, तो इसलिए ओ बी ए इक्वल टू बी ओ सी और प्लस बी सी ओ, प्लस बी सी ओ। अब दोनों का वैल्यू वाई है, इसलिए वाई डी प्लस वाई डी, इसलिए टू वाई डी, मतलब क्या हो गया हमारा ए बी ओ हमारा क्या आ गया टू वाई डी, या ओ बी ए करिए या ए बी ओ करिए, तो दोनों में क्या है हमारा ये ओ बी ए हमारा या ओ बी ए या ए बी ओ हमारा टू वाई डी आ गया। अब हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में देखिए कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है और जब रेडियस है तो एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये एंगल इक्वल टू ओ बी ए, ओ बी, ओ बी ए, क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी कि ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए। अब इक्वल टू क्या हो गया टू वाई डी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओ बी ए का टू वाई डी पहले निकाल लेते हैं, इसको फ्रॉम इक्वेशन वन से देखते हैं कि टू वाई डी हो गया। अब फिर क्या करेंगे ट्रायंगल ओ ए सी के लिए, ट्रायंगल ओ ए सी के लिए ए ओ डी क्या है, ए ओ डी हमारा क्या है एक्सटेंडेड एंगल है, मतलब इसका सम और इसका सम, यानी कि ओ ए बी, बी आर नहीं हमारा क्या हो जाएगा ओ ए सी, यहाँ पर है तो ओ ए सी और ओ सी ए, ओ ए सी और ओ सी ए का सम, ओ ए सी और ओ सी ए का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, तो इस एंगल का वैल्यू हमारा टू बाई टू निकाले थे और ए ओ डी का वैल्यू याद क्या है एक्स दिया हुआ है और फिर इस एंगल का वैल्यू हम 2y डिग्री कर दिए और इस एंगल का वैल्यू y डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या कर दिए यहां से, तो क्या हुआ x डिग्री इक्वल टू 2y प्लस y इक्वल टू 3y डिग्री हमारा आ गया टू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन में फिगर हमारा दिया हुआ है, फिगर क्या है एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया हुआ है, स्क्वायर का कुछ भाग जो है वो सर्कल से बाहर है और इस सर्कल को x और y पे कट कर रहा है, हमको प्रूव करना क्या है कि qx equal to qy, qx equal to qy, तो हम क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, o से x को मिला दिए और o से y को मिला दिए, join o to x and o to y। अब इन ट्रायंगल्स o r y and o p x, o r y and o p x, इस दोनों ट्रायंगल में हम क्लियरली देख रहे हैं OR equal to OP, OR equal to OP क्या है, क्या है ये दोनों स्क्वायर का साइड है, देखिए स्क्वायर का साइड है इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब OR equal to OP ये दोनों आपस में बराबर हो गया, फिर हम क्या आगे देखते हैं कि यहाँ पे OX equal to OY, OX equal to OY और equal to R2 दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। फिर एंगल क्या है ORY, ORY equal to OPX, ORY equal to OPX, तो ये दोनों क्या है आपस में राइट एंगल है इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया। तो क्या हो गया बाय RHS क्राइटेरिया, ये दोनों आपस में बराबर इसलिए RHS क्राइटेरिया से क्या हो गया ट्रायंगल ORY congruent to ट्रायंगल OPX, ORY OPX के congruent हो गया। तो इसी से क्या हो जाएगा हमारा कि PX equal to RY, PX equal to RY, अब PX equal to RY ही क्यों लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको PQ में से PX घटाना है और RQ में से RY घटाना है तभी हमारा QX और QY का वैल्यू आ जाएगा। तो PX equal to RY तुम्हारा हो गया सीधी-सीधी से, अब ये दोनों इक्वल है तो इस दोनों को अगर इक्वल साइड से घटाएंगे तो उसका भी वैल्यू हमारा इक्वल ही आएगा, इसलिए क्या किए इसको हम PQ में से PX को घटा दिए, PQ में से PX को घटा दिए और इधर RQ में से RY को घटा दिए, RQ में से RY को घटा दिए, तो PQ में से PX को घटाया, PQ में से PX को घटाया तो हमको QX आ गया और RQ में से RY को घटाया तो हमारा QRY आ गया।
लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगले लेक्चर में हम अगले एक्सरसाइज का थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग भी पूछे पढ़ रखिएगा, फिर हम बताएंगे, जो भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ सकते हैं। होमवर्क आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।